ये भोपाल में जो आंदोलन हो रहा है उसकी कुछ आप देख सकते हैं तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही होगी। आप देखिए कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो कहते हैं कि भांजे भांजियाँ, और आप देखिए कि उनके ऊपर किस तरह से अत्याचार किया जाता है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, ये देखकर मतलब हैरानी होती है। और आप देखिए कि जब वोट बैंक की बात हो, जब चुनाव की बात हो, तो इनके मुंह से आप देखेंगे कितने अच्छे अच्छे शब्द निकलते हैं। वो चुनाव खत्म होने के बाद आप देखिए इन्हें ढकेल दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के मामले में आप देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। आए दिन आप लोग ये भी सुनते रहते हैं दिन कि इतने छात्रों ने अपनी मतलब आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है, मौत को गले लगा लिया है। एक बात बोल सकता हूँ कि आप देखिए कि जिस परिवार का कोई मेंबर जाता है, जो छात्र सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, वही परिवार इस दुख को जान सकता है। और इन नेताओं का क्या, आप देखिए नेताओं का तो वोट बैंक चल रहा है और चलता रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि देश में अगर आपको लोकतंत्र बनाए रखना है, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं आप लोग, अफगानिस्तान आपको सबको दिखाई दे रहा है, तो इन तस्वीरों को भी देखते रहिएगा, इनको इनका भी सपोर्ट करते रहिएगा। जब सत्य के लिए कहीं भी लड़ाई हो रही हो तो आप भी उतरते रहिए, आप भी अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, क्योंकि जब सत्य दबने लगता है या कुचलने लगते हैं उसे नेता, तो तानाशाही वहीं से शुरू हो जाती है। और ये तानाशाही आप देखिए उस आग की तरह होती है, जंगल में आप देखते हैं कि बांस के रगड़ने से हवा चलती है, और वो जब टकराते हैं एक दूसरे से तो आग उत्पन्न करते हैं, और आप समझते भी हैं कि बांस खुद को भी जला देता है, और जो पेड़ मिलजुल कर हवा दे रहे होते हैं ना उस बांस को, वो भी जलकर राख हो जाते हैं। तो इसका प्रभाव ऐसा नहीं कि इन्हीं बच्चों पर पड़ रहा है, गरीब घर से आ रहे हैं या किसी भी घर से, इनका प्रभाव आपके बच्चों पर भी पड़ सकता है आने वाले समय में। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम घर बैठ कर ही, कम से कम ट्वीट आप लोग फेसबुक पर या कहीं भी लिख तो सकते हैं, और वोट बैंक के वोट करने से पहले आप लोग सोच तो सकते हैं। यहाँ लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की बिल्कुल भी नहीं है या किसी भी पार्टी की नहीं है, यहाँ मुझे लगता है कि इनके अधिकारों की बात है। ये जो भी बच्चे हैं, जो भी मैं बता रहा, मतलब आप सोचिए भीख नहीं आपके सामने मांग रहे हैं, इनकी एक तरह से नियमित रूप से आप इनकी जो भी वैकेंसी है उन्हें निकालते रहिए, उनकी प्रक्रिया पूरी करते रहिए, बस इतना ही चाहते हैं आप समझते हैं छात्र। और एक बड़ी हैरानी भी होती है कि आप देखेंगे कि एमपी मध्य प्रदेश के छात्र भी आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लेते हैं, मतलब वो डर जाते हैं। और कोचिंग संचालकों का आप देखिए बहुत बुरा हाल है, अभी कोचिंग खोलने की बारी आएगी तो आप देखेंगे सभी कोचिंग खोल लेंगे, और जब कोई आंदोलन की बात हो, उसमें भाग लेने की बात हो, तो सब अपने चुपचाप घर जाके बैठ जाते हैं, उसका परिणाम आप देखिए बेचारे बच्चे भुगतते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एकता तो होनी चाहिए कम से कम। आप देखेंगे इन तस्वीरों में आपको दिखाई भी दे रहा होगा किस तरह से पुलिस अत्याचार कर रही है। अगर आप देखिए इन तस्वीरों को थोड़ी भी शर्म लाज, ये आप सोचिए मानवता इंसानियत होगी, तो वो अंदर से हिलेगा जरूर कि आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं बच्चे, आप उन पर अत्याचार कर रहे हैं। मुझे लगता है आपकी स्थिति तो अंग्रेजों जैसी है कि आपने देखा है कि उस समय भी आजादी के लिए आंदोलन करते थे और वो पुलिस को आगे भेज देते थे, पुलिस से अत्याचार करवाते थे, वही काम आप कर रहे हैं, फिर आप में और अंग्रेजों में फर्क क्या रह गया? और मुझे लगता है कि सत्य पे अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो क्या कर लोगे जिंदगी में? हो सकता है कि आप देखिए किसी बेरोजगार ने, किसी भी छात्र ने अपनी जान दे दी, उसका जीवन यहां समाप्त हो जाता है, आपका हो सकता है कि 200 साल बाद खत्म हो, लेकिन आपका कोई मतलब है क्या जब सत्य के खिलाफ बोल ही नहीं, मतलब सत्य के लिए बोल ही नहीं सकते हो? और सबसे बड़ी बात तो आप देखिए कितनी बेशर्मी होती है नेताओं में कि चुनाव के समय आप देखिए कितने वादे करने लगते हैं, इन्हें इंसानियत की बातें करने लगते हैं, संविधान की बातें करने लगते हैं, बच्चों के नौकरियों की बात करने लगते हैं, और चुनाव खत्म होता है
इनके लिए सभी मुद्दे एक तरह से कूड़ादान में डाल दिए जाते हैं। तो इसके लिए याद रखिए, नेता ही जिम्मेदार नहीं, इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं काफी तक। जब वोट डालते हैं तब तो हमें इन बातों को देखना चाहिए। और मैंने वो जंगल की जो कहावत सुनाई है, उससे कोई अछूता नहीं रहेगा। अगर किसी को लगता है कि हम हमारा परिवार अछूता है, तो ये आपकी गलत फहमी है। जब अंग्रेजों की कहावत आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो व्हाट्सअप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी से इतिहास पढ़ते हैं, उनका उन्हें इतिहास अलग पढ़ाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ असली इतिहास की। आप सभी जानते होंगे कि जब अंग्रेज भारत पर राज करने आए तो कुछ लोगों ने उन्हें हवा दी थी, बाद में आप देखेंगे उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, और लास्ट में आप देखते हैं कि देश भर में आंदोलन होता है, कई लोग आप देखते हैं कि शहीद भी होते हैं, तब जाकर आज जो हम लोग खुली सांस ले पा रहे हैं ना हवा में, ये तब मिली हुई है। तो मेरा मानना है इस तरह का जो भी आंदोलन होता है, कम से कम अपना सपोर्ट करते रहिए। हमारा है या नहीं है, तुम्हारा है या नहीं है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए हैं, आपके बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इसे कम से कम आप लोग इस तरह की तस्वीरों को शेयर तो कर सकते हैं, आगे तो बढ़ा सकते हैं, लोगों तक तो पहुंचा सकते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आपका काम करिए, इस पर कुछ बोल भी नहीं सकता हूं ना। बड़ा मतलब दिल में अंदर तक झकझोर देती है कि आप जिन्हें भांजियां कह रहे हैं, बेटी बचाओ आंदोलन की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटियों को शिक्षा की बात करते हैं, उन बेटियों को दूसरी तरफ तो देखिए आप लोग कि उनकी हालत क्या है। वो आपके सामने गिड़गिड़ा रही हैं। इससे पहले आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा, लखनऊ में, तो आप लोग कुछ तो मतलब शर्म अगर लाज या लज्जा कुछ बची हो तो कम से कम 2-4-5 मिनट निकाल के कम से कम सोच तो लिया करिएगा कि किस दिशा में चले जा रहे हैं। कुछ लोगों का आप देखिए कि जिंदा लाश से भी, मतलब आप सोचिए लाश से भी बुरा हाल है कि वो जिंदा हैं कहने के लिए, लेकिन उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है सत्य बोलने के लिए। यहाँ तो आप देखेंगे महाभारत में तो एक ही धृतराष्ट्र था जो आप, वो अंधा था और अपनी मतलब उसकी अपनी मजबूरी थी। यहाँ तो आप देखेंगे कि हर जगह आपको आधे सभी लोग लगभग आप देखेंगे जो इस तरह का मुंह नहीं खोलते हैं वो धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए हैं। और आपने देखा है महाभारत में, अगर आपने सभी ने देखी वो महाभारत, मुझे लगता है कि देखना चाहिए, अगर नहीं देखी है तो आप सभी जानते हैं कि उसमें सभी को सजा भुगतनी पड़ी, तमाशा देखने वालों को भी और तमाशा करने वालों को भी। तो इसे आप लोग देखिएगा।